नमस्ते, एम ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में पढ़ेंगे, हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान मोदनीपुर जिला, जो कि महिषादल बंगाल में स्थित है। पिता का नाम श्री राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोहरा देवी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा राज्य के विद्यालय में ही हुई थी। आजीविका लेखन और पत्रकारिता। प्रभाव स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का। लेखन विधाएं कहानी, निबंध, आलोचना, उपन्यास, संस्मरण तथा कविता आदि। प्रमुख कृतियां राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अपरा आदि। भाषा शैली परिष्कृत खड़ी बोली और दुरूह एवं सरल दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। साहित्य में स्थान, निराला जी का काव्य आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान रखता है। वह हिंदी काव्य जगत के सम्राट माने जाते हैं। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के विषय में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मोदनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सराय त्रिपाठी था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्पायु में ही उठ गई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही विद्यालय में हुई। बचपन से ही ये कुश्ती, घुड़सवारी, इन सब खेलों में अत्यधिक रुचि रखा करते थे। कुछ समय पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो गई तथा इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। लेकिन इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। परिवार के भरण पोषण के लिए इन्होंने महिषादल राज्य में नौकरी भी की। हिंदी साहित्य का इन्हें अच्छा ज्ञान था। साथ ही भारतीय दर्शन में भी इनकी विशेष रुचि थी। इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ था, लेकिन वह भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दे करके स्वर्ग सिधार गईं। ऐसे समय में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और उनके सहयोग से रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय और मतवाला का संपादन किया। इसके 3 वर्ष पश्चात ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन किया तथा सुधा नामक पत्रिका के संपादक की लिखने में लग गए। इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी और स्वाभिमान अत्यधिक प्रबल, इसीलिए सेवानिवृत्ति इन्हें रास नहीं आई और ये इलाहाबाद आ गए। आर्थिक स्थितियां विषम होने पर भी इनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति दया और करुणा भरी थी। कुछ समय पश्चात इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया। पुत्री के देहांत के पश्चात उसकी स्मृति में उन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता की रचना की थी। निराला जी स्वाभिमानी और स्पष्टवादी थे। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थे। इस प्रकार दुख और कष्टपूर्ण जीवन के बीच काव्य साधना करते हुए इस महान साहित्यकार का 1961 ईस्वी में निधन हो गया था। अब हम इनकी कृतियां देखते हैं। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने कविता के अतिरिक्त उपन्यास, कहानियां, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे, लेकिन मूलतः ये कवि थे। इनकी कविताओं में विषय की प्रधानता और नवीन प्रयोग की बहुलता रहा करती थी। श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति वर्णन, शोषित वर्गों का शोषण, पाखंडियों के प्रति व्यंग इनके काव्य की विशेषता है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं: नंबर 1 राम की शक्ति पूजा, 2 परिमल, 3 गीतिका, 4 तुलसीदास, 5 अनामिका,
छः सरोज स्मृति, सा कथा साहित्य, कथा साहित्य में इन्होंने अपरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, लिली, सखी, सकुल की बीबी, चतुराचमा, इसके अतिरिक्त कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत, कुंज आदि इनके कई काव्य संग्रह हैं। अब हम हिंदी साहित्य में इनका स्थान पढ़ेंगे। कवि श्रेष्ठ निराला विलक्षण प्रतिभा के कवि थे। इन्हें हिंदी का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, जिसकी झलक इनकी काव्य रचनाओं में देखी जा सकती है। जीवन के हर मोड़ पर इन्हें बहुत अधिक संघर्षों और विरोधों का सामना करना पड़ा, फिर भी इन्होंने हिंदी काव्य जगत को अमूल्य काव्य रचनाएं प्रदान की। अपने विलक्षण व्यक्तित्व एवं निराले कवित्व के कारण निराला जी हिंदी काव्य जगत के सम्राट माने जाते हैं।